हेलो गाइस, आज यार बहुत सीरियस टॉपिक में आपसे बात करना चाहता हूँ. बिकॉज आपने देखा होगा रिसेंटली कुछ न्यूज़ आ रही हैं, जिसमें आपने देखा होगा टाटा पंच में आग लगने की न्यूज़ आ रही है. एंड दो तीन इंसिडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी ऐसे. एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, इससे पहले भी आपने कई केसेस देखे होंगे जिसमें आपको ने देखा होगा. नेक्सॉन में एक सर्विस सेंटर में आग लगने की केस आया था. उसके अलावा किया सेल्टॉस में पार्किंग में आग लगने का केस आया था. तो ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, इससे पहले भी ये केसेस हो रहे थे. एंड इससे यार ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो हमें नहीं पता. हम मेजॉरिटी ऑफ लोग इस बारे में जानते हैं कि ये केसेस किस रीज़न से हो सकते हैं. हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है कुछ प्रोडक्ट में भी फॉल्ट हो, बट मेजॉरिटी ऑफ रीजन जो ये केसेस के होते हैं, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, ये होते हैं जो हम आफ्टर मार्केट काम कराते हैं. शॉर्ट सर्किट की वजह से मोस्टली देखा जाता है कि ये फायर वाले केसेस आते हैं. हम आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ लोग जा रहे हैं आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज फिट करा रहे हैं अपने कार में. इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियोज ऑलरेडी अपने चैनल पे पहले भी बनाई थी, मेरा एक्सपीरियंस जो आफ्टर मार्केट के साथ रहा. ऑल्दो मैं कभी प्रमोट नहीं करता कि आप आफ्टर मार्केट की तरफ जाइए. मेरा भी यही कंसर्न रहता है कि यार आफ्टर मार्केट अगर आप जा रहे हो, आप कॉस्मेटिक चेंज आफ्टर मार्केट करा सकते हो, बट इलेक्ट्रिकल चीज़ों में आपको नहीं छेड़ना चाहिए. डोंट प्ले विद इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, बिकॉज यार ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है. और ये जो शॉर्ट सर्किट वाले केसेस होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसी रीज़न से. आफ्टर मार्केट आप जाते हो, लोग आपको तरह तरह की बातें बोलते हैं, हम कपलर टू कपलर फिट करेंगे सर, कोई इशू नहीं आएगा, हम बहुत गाड़ियाँ फिट करते हैं ऐसे. बट क्या वो इन इंसिडेंट के बाद क्या वो इस चीज़ की गारंटी लेंगे? क्या वो इन जो आपका लॉस हो रहा है क्या वो उसको पे करेंगे? यार मैं आपको बताऊं, अगर इन केसेस में अगर आप आफ्टर मार्केट को एक्सेसरीज फिट करा रहे हो और आपकी केसेस में ऐसा आपकी कार में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी भी आपको इसमें फेवर नहीं करेगा. इंश्योरेंस कंपनी भी अपना पल्ला झाड़ लेगा इससे. हम लोग ये नहीं सोचते यार, ठीक है मैं एग्री करता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बेस मॉडल्स होते हैं जिसमें हमको ज़रूरी फीचर्स नहीं मिलते और इसलिए हमें आफ्टर मार्केट जाना पड़ता है उन चीज़ों को कराने के लिए. बट यार मैं कह रहा हूँ, अगर आप एक कार खरीद रहे हो तो ट्राई करो कि आप एटलीस्ट उस वेरिएंट पे जाओ जिसमें आपको बेसिक फीचर्स मिल रहे हों. थोड़ा पैसा और लगा सकते हो, कार एक बारी का इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा और जोड़ के थोड़ा और पैसा लगा सकते हो, बट ऐसी कार ऐसा वेरिएंट ऑप्ट करो जिसमें आपको बेसिक फीचर मिल रहे हो. स्पेशली इलेक्ट्रिकल पार्ट आपको बाहर से ना कराना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखो कि इतना आप फीचर वाली कार लो जिसमें आपको बाहर से कुछ इलेक्ट्रिकली ना छिड़ाना पड़े. तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और मेरे ख्याल से ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. कई लोगों को मैंने देखा है आज के टाइम पे अपने स्टेयरिंग चेंज करवा लेते हैं, टॉप मॉडल स्टेयरिंग लगवा लेते हैं. गाइज हमेशा आपने कभी भी नोट किया होगा, हमारे एयर बैग की प्लेसमेंट होती है हमारे स्टेयरिंग पे. अगर हम स्टेयरिंग को छिड़ाते हैं और कभी हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए और हमारा एयर बैग काम ना करे, तो क्या आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपकी बात मानेगी या इंश्योरेंस कंपनी आपको इस केस में रिम्बर्स करेगी? नहीं गाइज, ऐसा नहीं होता है. इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप उन चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को मत छेड़ो यार. आपको अगर कोई ऐसा कॉस्मेटिक चेंज कराने हैं अपने कार में, सीट कवर्स लगाने हैं, कुछ आप ग्राफिक कराना चाहते हो, कुछ रैपिंग कराना चाहते हो, आप करा सकते हो, बट एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं, जो उन चीज़ों में छेड़खानी मत करो यार, ये बहुत डेंजरस हो सकता है गाइज. और ये हमने देख ही चुके हैं जो इंसिडेंट हमारे सामने आ रहे हैं. सो गाइज बहुत छोटा सा वीडियो है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप आफ्टर मार्केट बिल्कुल भी काम मत कराओ, बट एटलीस्ट ऐसे काम मत कराओ जिसमें आपकी वायरिंग से छेड़छाड़ हो रही हो. बिकॉज इलेक्ट्रिक चीज़ों में छेड़खानी से शॉर्ट सर्किट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. एंड इसी की वजह से जो इंसिडेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, वन ऑफ द रीज़न हो सकता है ये ऐसे इंसिडेंट का. सो प्लीज़ गाइस रिक्वेस्ट यू कि आप इस तरह के काम अपनी कार में ना कराएं. तो गाइस बस इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ यही शेयर करना चाहता था, बहुत छोटी सी वीडियो है. एंड जो भी हो रहा है यार, जो इंसिडेंट हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए. और हमें एटलीस्ट इतनी चीज़ समझ होनी चाहिए कि हमें अपनी सेफ्टी के साथ ऐसे नहीं खेलना चाहिए. तो इस वीडियो में गाइस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.